हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके, वेरी गुड. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हेयर विद द जीके वर्कबुक एंड एज यू ऑल रिमेंबर दे आर कंप्लीटेड अप टू चैप्टर 19. ओके, एंड नाउ टुडे इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. And the today's chapter we have about chapter 20, okay? And we will see the name also of the chapter. Chapter name is that name the animals. Name the animals means what have to do in today's chapter? We have to write down these animals' name, okay? Below to these animals' picture. आज हम लोग exercise करेंगे. इसमें already आपके कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं बॉक्सेस में. आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड आफ्टर आइडेंटिफाइड यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट नेम ऑफ दिस एनिमल्स. क्लियर? तो चलिए हम लोग पेज नंबर भी देख लेते हैं. पेज नंबर ऑल्सो हैव यू 20. ठीक है, आपका जो पेज नंबर है वो भी सेम है जो कि पेज नंबर 20 है. चलिए, तो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर जीके बुक. सारे लोग अपनी जीके की बुक ओपन कर लीजिए और चलिए आज का वर्क हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑल हैव ओपन देयर जीके बुक एंड ओपन द पेज नंबर 20 विद चैप्टर्स 20. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो. यस, व्हाट्स एक्सरसाइज? Identify the pictures given below and name them. Take help from the clues given in box. Identify the picture. Students, you have to identify the picture which is given here. यहाँ पे कुछ pictures दिए गए हैं जिसको आपको guess करना है, identify करना है कि ये जो animals हैं वो किस type के animals हैं and what is the name of these animals. What are these animals name? ठीक है, given below and name them. And उसके बाद इनके name हमें write करने हैं. Take help from the clues as well as you have your clues also. यहाँ पे आपके आपका एक help box है जो कि आपका as a clues है. ठीक है, और इस help box से, इस clues की help से आप इन pictures को identify करने के बाद इनके name को आप इस box से टेक आउट करके आप इसको फिल कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली फ्रॉम द फर्स्ट वन, स्ट्रेंज देयर इज अ पिक्चर अबाउट एनिमल. सो दिस टाइप ऑफ एनिमल इज दिस. कैन यू आइडेंटिफाई? आप गेस कर सकते हो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कोई एनिमल देखा है? हैव यू सीन एवर दिस टाइप ऑफ एनिमल? हैव यू सीन इन एवर आर एट योर होम आर एनी वेयर? देखा आप लोगों ने? येस, आई होप ऑल हैव सीन टू दिस एनिमल. आई होप सारे लोगों ने इस तरह के एनिमल्स को देखा होगा बिकॉज दिस एनिमल इज कॉल्ड रैबिट. ठीक है ना, रैबिट जिसके खरगोश बोलते हैं. ठीक है ना, ये आपका एनिमल जो है वो रैबिट है. स्पेलिंग क्या है? आर ए डबल बी आई टी, रैबिट स्पेलिंग. ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल्स के नेम है. फर्स्ट, हैन, रैबिट, डॉग, कैट, पैरोट, स्क्वायरल, पोनी, मंकी, गोल्डफिश एंड माउस. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया, अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. स्ट्रेंड्स, देयर इज अ एनिमल एंड इट जस्ट लुकिंग लाइक विच एनिमल? किस तरह के एनिमल की तरह दिख रहा है आप बता सकते हैं? यस, ये जो आपका एनिमल है इनका जो स्ट्रक्चर है वो हॉर्स की तरह लग रहा है ना. इट जस्ट लुकिंग लाइक हॉर्स ना, बट इट्स नॉट योर हॉर्स एनिमल. द नेम ऑफ दिस एनिमल इज पोनी. ठीक है ना, क्या नेम है इस एनिमल का? पोनी. स्पेलिंग क्या है? पी ओ एन वाई. ठीक है, आप इसको राइट कर देंगे. एंड द नेक्स्ट एनिमल अबाउट विच एवरी वन नोज. सब लोग इस एनिमल को जानते हैं एंड इट इज़ ए पेट एनिमल ऑल्सो. कैट जो है वो पेट एनिमल भी है ना. कैट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं,
कैट को लाइक करते हैं, है ना। और उनके पेट एनिमल्स भी होते हैं। कैट आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट है। ओके हाउ क्यूट इट्स लुकिंग ना, यस ओके कैट। तो राइट कर देंगे यहाँ पे कैट एंड दिस ऑल द नेम्स आर गिवन हियर। यहाँ देख सकते हैं इन सारे एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन। देयर इज अ पिक्चर्स लाइक स्क्वायरल। देखिए स्क्वायरल देखा आप लोगों ने, जिसको गिलहरी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गिलहरी बोलते हैं। और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये उनके पास होते हैं, ये उनकी बॉडी होती है, ये स्मॉल स्मॉल ईयर्स होते हैं, ये जो इनका होता है ना टेल जो होता है, देखिए ये देखिए इनके बैक पे इनका टेल होता है, वो बिल्कुल फीदर टॉल होता है ना, टॉल होता है, लंबा होता है और बिल्कुल फीदर पंख की तरह होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। और ये जो एनिमल है उनको क्या कॉल करते हैं, स्क्वायरल गिलहरी। ओके स्पेलिंग देखिए SQUIRRL। सब लोग बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग राइट करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस बॉक्स से स्पेलिंग राइट कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फाइव नंबर, ठीक है। फाइव नंबर आपका है एज यू कैन आइडेंटिफाई वेरी वेरी फास्ट, है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो ये जो स्ट्रक्चर है इट्स लुकिंग लाइक फिश, आप इसको फिश कहेंगे ना, बट ये जो आपका फिश है, ये जो फिश है उनकी कलर देखिए, इट इज़ इन गोल्डन कलर, गोल्डन कलर में है ना। तो इसलिए इस फिश को कौन सा नेम दे दिया गया है, गोल्ड फिश। विच एनिमल इज दिस, दिस फिश इज कॉल्ड द गोल्ड फिश, क्योंकि ये गोल्डन कलर में है, ठीक है ना, गोल्ड की तरह दिखती हैं ये, इसलिए इनको गोल्ड फिश का नेम दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग गोल्ड फिश राइट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए माउस स्टेन्स, ये ऑल नो वेल ना अबाउट दिस एनिमल, सब लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी एनिमल है, माउस है, ठीक है ना। ये आप सबके होम पे कहीं पे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्पेलिंग क्या होती है माउस की, MUSE माउस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इज दैट एनिमल, टेल मी मंकी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल, मंकी। देखिए मंकी कैसे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप, गुस्से में मंकी बैठे हुए हैं। ओके स्पेलिंग ऑफ मंकीज MONKEY। आप लोगों ने मंकी देखा है, यस सबने मंकी देखा होगा, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डॉग देखा है आप लोगों ने, एनिमल्स देखा है ना, यस इट इज द पिक्चर ऑफ द डॉग एनिमल। स्पेलिंग ऑफ डॉग DOG। एंड नेक्स्ट वन यू हैव द एनिमल विच इज हैन, ठीक है। हैन इसको क्या कहते हैं, हैन जो मुर्गी आप इसको कॉल करते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन यू हैव, ओके विच एनिमल इज दिस, इट्स ऑल्सो पेट एनिमल। हैन भी जो आपकी पेट एनिमल होती है ना, और ये जो पैरट है वो भी पेट एनिमल होता है, इसको भी लोग एज अ पेट की तरह क्या करते हैं, पेट एनिमल की तरह अपने पास रखते हैं, ठीक है ना, अपने होम पे रखते हैं। देखिए तो ये जो एनिमल आपका है वो है पैरट, ठीक है। स्पेलिंग क्या होती है, PARROT, पैरट मीन्स तोता, ठीक है। तो ये सारे आपके जो एक्सरसाइजेज आज के थे, दैट वॉज अबाउट दी एनिमल्स एंड वी हैव रीड एंड वी हैव रिटेन द नेम ऑफ दीज एनिमल्स बिलो टू दीज पिक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट्स योर वर्क, you have to fill this all the animals name below to these pictures and then you will learn these all animals name, at least if you will learn this means at least you will learn 10 animals name aapko learn ho jayenge. Agar aap in sare animals ko acche se learn kar lenge to 10 animals ke name aapko learn ho jayenge, theek hai. To aap sab log in sare animals ke name ko note down karenge aur then inko spelling ke sath acche se लर्न कर लेंगे, ठीक है। लर्न करने के बाद अपने बुक को भी कंप्लीट करके स्कूल एप्लीकेशन के थ्रू अपने वर्क को सेंड करेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट इज रैबिट, सेकंड पोनी, थर्ड कैट, फोर्थ स्क्वायरल, नेक्स्ट है गोल्ड फिश, नेक्स्ट माउस, नेक्स्ट मंकी, डॉग, हैन एंड एट लास्ट पैरट. ठीक है, नाउ फाइनली वी हैव रीड एंड डन दिस चैप्टर. सो नाउ इट्स योर वर्क टू लेट्स स्टार्ट टू डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क एंड कीप योर रिविजन वर्क ऑल्सो. आप लोग अपने रिविजन वर्क को भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है ना. रिविजन वर्क भी आप लोग अपने अपने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है. चैप्टर 11 से आप लोग अपने रिविजन को स्टार्ट कीजिएगा और प्रीवियस चैप्टर्स को भी रिवाइज करते रहिएगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल नेक्स्ट डे वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक एंड विल डिस्कस अबाउट द न्यू थिंग्स. सो नाउ टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे.